हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्री डायबिटीज़ के ऊपर। और प्री डायबिटीज़ में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले डायबिटीज़ डिस्कस करते हैं। तो डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम जिसे कॉमनली कहते हैं, एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में शुगर लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा रहना शुरू हो जाते हैं। और जब ब्लड शुगर लेवल्स इस तरह से परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहें तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स को देखने में मिलती हैं। प्री डायबिटीज़ एक कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा हैं पर अभी डायबिटिक रेंज में नहीं है। इसको हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं? रूटीन ब्लड टेस्ट से। जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट अगर आप ब्लड शुगर कर रहे हैं तो वो 100 to 125 की रेंज में आ रहा है। और खाना खाने के बाद वाला ब्लड शुगर, दो घंटे के बाद जो हम लोग पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर्स देखते हैं, वो आपका बिटवीन 140 टू लेस देन 200 है। या तीसरा है HbA1c लेवल्स, जो आपके 5.7 टू 6.5 के दरमियान में आ रहे हैं। अगर इस रेंज में आपके ब्लड शुगर या HbA1c लेवल्स हैं तो चांसेस है कि आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो स्ट्रिक्टली अपनी डाइटरी प्रिकॉशंस जो है वो फॉलो करें। मीठा नहीं लेना, जंक फूड अवॉइड करना है और अपनी डेली फिजिकल एक्टिविटी पे जो है वो लोग फोकस करें, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स आगे जाके भी कंट्रोल में रहें और फ्रैंक डायबिटीज़ ना डेवलप हो पाए, जिससे कि आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं रहेंगी। तो मैं एडवाइस करती हूँ कि आप अपने रूटीन हेल्थ चेकअप्स जो है साल में एटलीस्ट एनुअली करवाने चाहिए। और इसके लिए आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में जाएं, हेल्थ चेकअप्स करवाएं। और अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हायर साइड पे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात करें एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स। थैंक यू।